प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं वर्ग सात में पुरुष के बारे में पढ़ाऊंगा। पुरुष जिसको इंग्लिश में पर्सन कहते हैं, संस्कृत व्याकरण में पुरुष कहते हैं। तो पुरुष संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। पुरुष प्रथम पुरुष कौन होता है? प्रथम पुरुष वह है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, वो प्रथम पुरुष है। मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति से हम कहते हैं वो मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष जो बोलता है, जो कहता है वो उत्तम पुरुष। यानी जो बोलता हो उसे उत्तम पुरुष, जो सुनता हो उसे मध्यम पुरुष, और जो जिसके बारे में कहा जाता है वो हो गया प्रथम पुरुष। पुरुष में हमेशा वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक आदमी का बोध होता है, द्विवचन में दो आदमी का बोध होता है और बहुवचन में दो से ज्यादा लोगों का बोध होता है। तो पुरुष प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष है सह, वह जो है वह प्रथम पुरुष है। कौन जो है वह मध्यम पुरुष है। और मैं जो हूं वह उत्तम पुरुष है। यानी मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और वह प्रथम पुरुष। वह के साथ इस प्रथम पुरुष में कोई व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, कोई जानवर भी आ सकता है, वो सब प्रथम पुरुष में आता है। तो एक वचन है प्रथम पुरुष वह, एक वचन एको है वह, तुम एक वचन है, अहम मैं एक वचन है। अब प्रथम पुरुष एक वचन स है तो द्विवचन क्या है? तौ, तौ हो गया वे दोनों, यानी दो आदमी का बोध होता है। और बहुवचन है ते, ते माने वे सब। ठीक। अब है तुम, तुम तुम मध्यम पुरुष है तो तुम एक वचन है यानी एक आदमी का बोध होता है तुम। तो द्विवचन युवाम, युवा हो गया तुम दोनों। और बहुवचन युवम, युवम माने तुम सब। तुम सब। अब है अहम, अहम मैं उत्तम पुरुष एक वचन। आवाम हम दोनों द्विवचन, और व्यायाम हम सब बहुवचन। ठीक है। तो पुरुष यह एक, वह जो है एक आदमी है, एक वचन प्रथम पुरुष। तौ जो है वे दोनों, एक प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ। ते यानी वे सब बहुवचन, एक प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। यहाँ मध्यम पुरुष तुम, तुम मध्यम पुरुष एक वचन हुआ। युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन हुआ और युवाम मध्यम पुरुष बहुवचन हुआ। अहम उत्तम पुरुष एक वचन, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। आप इसको नोट कर लें और इस पर, इसी पर ट्रांसलेशन बनता है, अनुवाद, इस पर धातु रूप बनता है। इस समय अगली वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल लिखवाऊंगा। तब तक आज आप लोग इतना समझ लें, नोट कर लें, याद करें, समझें। कल की वीडियो में मैं फिर इसके आगे का बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।